आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव सलेमपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 18 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 7 किलोमीटर है। 1600 वोट और 4000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान कुलदीप किशोर यादव संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें एक बार फिर प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। अपने अच्छे विकास कार्यों के कारण लगातार गाँव के प्रधान चुने जा रहे हैं। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्ष में इन्होंने गांव को किस तरह सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के सलेमपुर ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, आगे की पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल बीत चुके हैं आपके कार्यकाल को पूरे, क्या क्या विकास आपने अब तक अपने गाँव में किए? सीधी टैंक कराई है, नाली कराई है और जो पात्र व्यक्ति थे उन्हें शौचालय का मतलब निर्माण कराया गया है। ग्राम पंचायत ओडीएफ हो गई, लगभग 350 शौचालय बनवाए गए हैं और जो पात्र व्यक्ति थे जो आवास की मतलब जिन्हें जरूरत थी उनके लिए आवास बनवाए गए हैं। कितने आवास 32 मतलब 32 आवास बन चुके हैं। कुछ और परिवार भी अभी बाकी हैं जी? वो मुख्यमंत्री जो आवास प्लस योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री योजना चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत उनके नाम बढ़वा दिए गए हैं और जैसे ही शासन का आदेश आता है उनके मतलब कार्य बनवाने आपकी जाएगी। यहाँ पर जो सरकार की योजनाएं चलती हैं केंद्र सरकार की गरीबों के लिए, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, किसानों को सम्मान निधि का पैसा भी मिल रहा है, तो ये कितने परसेंट लोग आपके गांव में इनका लाभ ले पाते? किसान सम्मान निधि में करीब 80% लोगों को मतलब लाभ मिल चुका है। जो रह गए, जो वंचित रह गए लोग उनको मतलब प्रयास चल रहा है, वो भी मतलब 100% अगले महीने में 100% हो जाएगा। बाउंड्री वॉल करा दी गई है, उसमें सीसी टैल करा दी गई है, जो बोर्ड खराब थे उनके बोर्ड पुताई वगैरह रंगाई वगैरह कराई गई है। आंगनबाड़ी केंद्र में फ्लोर टैल वगैरह, लैटिन में, शौचालय में ये कराए गए हैं। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगी जी, 18 करीब सोलर लाइटें लगी और स्ट्रीट लाइटें भी चल रही है। 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा समय पर मिल जाती है जी? जी बिल्कुल मिल जाती है। आयुष्मान, राशन कार्ड ये सब बने हैं जी? हाँ, जो पात्र व्यक्ति है उनके बनवा दिए गए। पेंशन वगैरह, पेंशन वृद्धा पेंशन भी बनवा दी गई है, करीब 28 बनवा दी गई है और विकलांग करीब 6 पेंशन विकलांग और विधवा करीब 12 विधवा पेंशन। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है आपके? बढ़िया है, ठीक ठाक है। सफाई कर्मी आते हैं नियमित? हाँ, नियमित आते हैं। ज्यादातर एक्चुअली काम कर रखा है, इसीलिए जो अधिकारियों ने अपने पास में ड्यूटी लगा रखी है वो गलत लगा रखी है, जिससे मतलब गांव में नहीं आ पाते हैं। तो इससे मतलब थोड़ा जो सफाई कर्मचारी गांव में नियुक्त है उन्हीं को अधिकारियों ने अपने 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 पास में लगा रखा है और आए दिन कहीं ना कहीं ड्यूटी लगा रखते हैं, कहीं किसी के नाम में ड्यूटी लगा दी, कहीं किसी के नाम में ड्यूटी लगा दी, तो वो गाँव में आ नहीं पाते हैं। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए, वैसे तो हम देख रहे हैं कि काफी शिक्षित युवा हैं आप प्रधान के गांव, वो भी दूसरी बार लगातार है, लोगों को जनता को काफी उम्मीदें हैं आपसे आगे के लिए भी, फिर भी अपने गांव को और ज्यादा विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? बस ये टाइम पे मतलब धनराशि जो आ रही है, 14 में जैसे ही हो गए इसमें थोड़ी धनराशि बढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत में 3 गाँव लगते हैं तो अब ये फिलहाल स्कूल में भी इसी में अरेंजमेंट करना, इसी धनराशि में स्कूल में पैसा लगाना होता है, बाकी जो विकास कामों में भी लगाना होता है पैसा, तो थोड़ी धनराशि कम आती है, उस हिसाब से थोड़ी धनराशि बढ़ गया है तो उससे ज्यादा विकास हो सकेगा। क्या कच्ची सड़कें हैं गाँव में अभी? नहीं, कच्ची सड़क कोई नहीं है, बारातगढ़ के लिए मैंने मांग भी करी थी शासन से, डीएम साहब को 2 बार ज्ञापन भी दिया है मैंने और मुख्यमंत्री को भी मतलब ज्ञापन दिया है, पर अभी तक बारातगढ़ का नहीं हो पाया है। बाकी एक संस्थान घाट की कमी है हमारे यहाँ पे और बाकी बारातगढ़ की, बाकी पंचायत घर भी है, बाकी कोई अस्पताल की थोड़ी यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर अस्पताल नहीं है यहाँ पर, बाकी 2 राजग्राम है, दोनों में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण है। और कोई समस्या आपके गांव में ऐसी है जिसके लिए आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यहाँ पर ध्यान बस सबसे मेन चीज़ है जो कि बारिश का टाइम होता है उस समय शमशान घाट नहीं है, जिस समय अंतिम क्रिया करते हैं तो काफ़ी टाइम काफ़ी परेशानी का मतलब सामना करो। कितनी दूर यहाँ से जाना पड़ता है? करीब 2-2.5 किलोमीटर शमशान घाट है, वहाँ पक्का बना हुआ नहीं है, निर्माण नहीं, लोग वैसे ही उसको जो है जी अगर बारिश के टाइम में बहुत सारी बरसात के समय में और बाकी बरातगर नहीं है तो बरातगर रुकने में मतलब परेशानी आती है, स्कूल में रुकने का आदेश हुई है पहले स्कूल में रुकने। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है, सीसी टाइल्स कार्य, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को मिले हैं, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, लगभग यहाँ पर 90% गांव विकसित है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं यहाँ ऐसी हैं जिनसे आज भी लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि सबसे प्रमुख समस्या यहाँ सामने आई है बारातघर यहाँ पर नहीं है और एक अंत्येष्टि स्थल
जो यहाँ पर निर्मित नहीं है, जिससे बरसात के दिनों में यहाँ जो जनता को है काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए प्रधान यहाँ मांग रखते हैं मुख्य रूप से। इसके साथ ही जो गरीब पात्र यहाँ बाकी रह गए हैं उन्हें आवासों की भी यहाँ आवश्यकता है। अशरफ अली के साथ मिनाजरीन टुडे 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका सक्सेना है, मैं सहायक अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय मोहम्मद फिलिपुल्लाह। अच्छा, ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ 4 वर्ष हो गए हैं, यहाँ पे विद्यालय में क्या क्या काम कराया गया? यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन कायाकल्प, इसके तहत प्रधान जी ने यहाँ पर सीमेंट की टाइल्स बिछवाई हैं और किचन बनवा रहे हैं और शौचालय सही करवाए हैं, आंगनबाड़ी का रूम सही करवाया। जितना समय होता है उतना समय देते हैं प्रधान जी इस विद्यालय के लिए, जितना जरूरत है।